एक अहम खबर बता दूं, भारत में एक स्टडी के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत में मिला डेल्टा वेरिएंट सुपर इंफेक्शियस है। ब्रिटेन का जो वेरिएंट था जिसको अल्फा वेरिएंट नाम दिया गया, वो दोगुना, उसके मुकाबले दोगुना तेजी से फैलता है। ये दुनिया के 40 से ज्यादा मुल्कों में डेल्टा वेरिएंट B.1.617 ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये 40 देशों में मिल चुका है, और वहां 40 देशों से जो 4,445 सैंपल्स आए वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन तमाम देशों में मौजूद है। अब जरा देख लीजिए डेल्टा वेरिएंट कितनी बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है, और ये वेरिएंट कितने बनते जाएंगे इसको लेकर कोई सीमा नहीं है। ये एक तरीके की फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी करते हुए कई बार कुछ मिस वहां पर फोटोकॉपी मशीन ने पकड़ा नहीं, वहां पर जो मिस्टेक हुई फिर वो अगली कॉपी में चली गई, और अगली कॉपी में फिर कोई मिस्टेक हुई उसकी अगली कॉपी में चली गई। तो ये जो है अल्फा वेरिएंट, ये जो ब्रिटेन का वेरिएंट जिसको लेकर पहले पूरी दुनिया में चिंता हो गई थी, B.1.1.7 ये तो कहीं लगता ही नहीं है उसके सामने जो डेल्टा वेरिएंट है। बहरहाल अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन का है, बीटा वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट है, गामा वेरिएंट ब्राजील और जापान में पाए गए वेरिएंट को नाम दिया गया, और डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया B.1.617 जो भारत में पाया गया, और सबसे पहले इसको महाराष्ट्र में पाया गया था अक्टूबर 2020 में। यह भी मैं आपको बताता चलूं, और यह भी बता दूं कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हैं। अलग अलग कैटेगरीज में WHO ने इसको बांटा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसकी स्टडी होता जाए तो वो तमाम वेरिएंट जो वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्पी का सबब हो सकते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, और वो जो खतरनाक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अल्फा से खतरनाक डेल्टा है, अल्फा से 50% ज्यादा तेजी से ये लोगों को संक्रमित करता है, इसीलिए ब्रिटेन में चिंता बहुत है। 50% तेज रफ्तार से फैलता है इसमें इन्फेक्शन। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट अब प्रभावी होता जा रहा है, 4 में से 3 मामले डेल्टा वेरिएंट के ही इस समय मिल रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिशन क्षमता पहले के मुकाबले जो वेरिएंट्स थे उनसे ज्यादा है। इन्फेक्टेड हैमस्टर्स में, हैमस्टर्स एक तरीके का रोडेंट होता है और ये चूहे जैसा दिखता है, उसमें जब प्रयोग किया गया हिंदुस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये पाया कि हैमस्टर्स के फेफड़ों में बड़े गंभीर लक्षण देखने को मिले। लिहाजा न सिर्फ ये इन्फेक्शियस है बल्कि इसका विरुलेंस, इसकी पावर लोगों को बीमार करने की, वो भी ज्यादा है। वैक्सीन असरदार या नहीं पक्के तौर पर अभी पता नहीं, इस पर कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है अभी पक्के तौर पर पता नहीं। ये जरूर पता है कि इस वेरिएंट में कोवैक्सीन प्रभावी रही है, चकमा देता रहा है। ये कैसे चकमा देता रहा है जरा वो भी बता देता हूं आपको। दावा क्या है, दवा और वैक्सीन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है और असर क्या रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बताया जाता है कि डेल्टा पे इसका जो प्रभाव है वो कम देखा गया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी का कॉकटेल है, जो शुरुआत में कम बीमार जब आप होते हैं तब अगर आपको लगा दिया जाए तो बहुत जल्दी बीमारी काबू में आ जाती है। और कोवैक्सीन के बारे में यह पता चला कि इसमें इन्फेक्शन रुका। फाइजर की वैक्सीन के बारे में यह पता चला कि एंटीबॉडी से बचने में कामयाब है, मतलब उसको सर्कमवेंट करके निकल जा रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर रहा है। कोविशील्ड में भी ये पाया गया कि दिल्ली में डॉक्टर इसकी वजह से रीइन्फेक्ट हुए और फिर से बीमार हुए, कई बार तो ये जानलेवा तक साबित हुआ। अब अगर ऐसा है, ये वेरिएंट बनते जाने का कोई सिलसिला कहां थमेगा कोई नहीं जानता, और ये भी हम जानते हैं कि हमारी एक आबादी का पर्टिकुलर जो अभी प्रपोर्शन है ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से वो बड़ी कम है जिसको हमने अभी तक वैक्सीनेट किया। अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तब ये कंसर्न्स और ये जानकारी जरूरी है। वायरस का टारगेट क्या है, वो चाहता है कि वो सर्वाइव करे। वायरस और ह्यूमन रेस में यही होड़ लगी हुई है कि सर्वाइवल किसका ज्यादा है, सर्वाइवल उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा फिट होगा, इसीलिए ये एक होड़ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करना इसका मकसद है। वायरस इसी कारण जीनोम में अपने बदलाव करता है ताकि उसका सर्वाइवल बढ़े। कोरोना वायरस में भी लगातार ऐसे ही बदलाव देखने को मिले हैं, और जीनोम में होने वाले बदलाव आप जानते हैं यही म्यूटेशन कॉज करते हैं, और वायरस के ज्यादा मल्टीप्लाई होने से, ज्यादा रेप्लिकेट होने से म्यूटेशन बढ़ते हैं। म्यूटेशन ज्यादा होने से नए रूप में वायरस सामने आता है, और वो वायरस के नए और बदले हुए रूप को जब सामने लेकर आता है वो कितना खतरनाक होगा कोई नहीं जानता। वायरस जब तक रहेगा गंभीर वेरिएंट सामने आएंगे, और इसीलिए खतरनाक वेरिएंट से महामारी को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके बारे में एक और नजरिया रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये एक आबादी इससे इन्फेक्ट हो जाती है या उसको आप वैक्सीन के जरिए इनोकुलेट करके आप उसको इम्यून बना देते हैं, तो फिर ये पेंडेमिक की जगह एंडेमिक हो जाती है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में सीमित रह जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म होने की तरफ बढ़ता है मामला। आप जरा इसको समझें, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ये तो इसने जो दिमाग का दही जिसको कहते हैं किया है इस वायरस ने, उसके पहले किसी ने नहीं किया। बिल्कुल दिनेश, जैसे कि आपने बताया कि कैसे ये वायरस इवॉल्व हो रही है और ये किस तरफ जाएगी अगले 1 या 2 वर्षों में,
वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आप जैसे अनलॉक की बात कर रहे हैं और जैसे जफर इस्लाम जी ने भी बोला और पाटिल जी ने भी बोला, तो जान और जहान को दोनों को चलाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। हमें एक तरह से पार्शियल लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन हमें करने ही पड़ेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो देखिए, अब जैसे दिल्ली में और महाराष्ट्र में जहां पे कि अनलॉक के बारे में बात आई है, परंतु मैं जफर इस्लाम जी की बात को बढ़ाता हूं या बोलता हूं उनको कि सेंटर की तरफ से कोई भी एसओपी नहीं है किसी भी प्रदेश के लिए। मैं ये समझता हूं कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए, नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए, रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस को देखते हुए, मेरा ये सजेशन है जफर इस्लाम जी को कि वो हर्षवर्धन जी को और पॉल जी को बोलें कि एक ऐसा बिल्कुल एक लूज एसओपी तो तैयार करें कि अगर आपका पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है, अगर आपके नंबर ऑफ केसेस 100-200 से कम है एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सिटी में, और रेट ऑफ राइज जो है वो ज्यादा नहीं है, तो इतना लॉकडाउन होना चाहिए। अब देखिए, आप चाइना को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने अभी बताया कि गंगजो के अंदर 50 केसेस से कम हुए और उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। सेम परिस्थिति ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया में है, 25 केस होते हैं तो पूरा लॉकडाउन वो लगा देते हैं। वो चीजें भारतवर्ष में संभव नहीं है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे पे इतने केसेस बढ़ जाएं। ये इंपॉर्टेंट आपका इनपुट है सर, इस पर जल्दी से मैं जवाब ले लेता हूं कि कोई एक साझा कंसल्टेशन के बाद एक एसओपी बनाई जाए, कितने केसेस में माइक्रोजोन बनेगा, कितने केसेस में आप उसको कंटेनमेंट को आप आगे बढ़ाएंगे, कितने में आप पूरे स्टेट को लॉक कर देंगे, इसको लेकर कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए। जफर इस्लाम साहब, देखिए, मैंने बात उनकी सुनी और मुझे लगता है कि जाहिर है इस पर विचार भी हो रहा होगा सरकार में, लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप देखें तो जिस तरह से पहली बार जो हुआ था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार जो है स्टेट और सेंट्रल सब एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसको बहुत सारे स्टेटों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि चूँकि अब हमें मालूम है कैसे इसको कंट्रोल करना है तो इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, हमें अधिकार दिया जाए कि हम अपने हिसाब से इसको जहाँ जहाँ मुझे लगता है वहाँ कंटेन करना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सब स्टेट के लिए लागू होना, ये एक बड़ा देश है, बड़े देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, किसी स्टेट में संक्रमित हैं तो किसी स्टेट में संक्रमित नहीं है, किसी स्टेट में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है तो किसी स्टेट में इन्फेक्शन रेट बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एक यूनिफॉर्म रूल के आप लगा दिया, अभी पता चला नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं है लेकिन वहाँ भी लॉकडाउन में है, आप लगा के भाई इस स्टेट में अभी यूनिफॉर्म नहीं बनाने की बात हो रही है, कैटेगराइज करने की बात हो रही है, कैटेगरी बना दी जाए और उस कैटेगरी के हिसाब से एसओपीस बनाए जाएं, ये कहा जा रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं उस पर। तो इसलिए शायद इस तरह की बात, अब चूंकि हम समझ सकते हैं इस महामारी के बारे में कैसा इसका बिहेवियर रहता है, तो जाहिर है सरकार सोच रही होगी और इस दिशा में काम भी हो रहा होगा। लेकिन आप देखिए कैसा भी, जैसे डॉक्टर श्याम साहब ने कहा, डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब ने, कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 20-25 केस में भी लॉकडाउन लगा सकते हैं, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्लोरिडा भी एक ऐसी जगह है यूएस में जहां पर आप देखिए कि वहां पर आज तक कोई लॉकडाउन नहीं लगा, इवन टिल डेट केस फर्टिलिटी रेट देख लीजिए वहां पर जो है दुनिया में यूएस में सबसे ज़्यादा, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपके सामने, लेकिन मेरे देश में, हमारे देश में हमें दोनों चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। हम इग्नोर नहीं कर सकते लॉकडाउन को भी, और हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी जनता, ठीक है, तो आपने ये कहा उसको चाहिए, लेकिन एसओपी बनाने को लेकर कोई काम चल रहा होगा, आप इसको लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन सर अब देखिए ये 2.25 लाख लोगों की जान गई है इस बार, अब इसको लेकर कुछ कंक्रीट होना ही चाहिए। मैं आता हूँ आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।